हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर सबसे बड़ी खबर अभी अभी तुरंत जो है आई हुई है। ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया गया है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम आपको कब देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, एसटेट वाले को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एसटेट का जो पेपर पहले हो रहा है उसी के अकॉर्डिंगली आपका पेपर लिया जाएगा। बाय द वे, आप लोगों को मैं बता दूँ, करंट अफेयर्स के वीडियोस मैंने चैनल पे डाल रखे हैं, प्लीज़ जाकर उनको देख लीजिए, आपके काम में बहुत आने वाला है वो। और आधुनिक भारत का इतिहास पे भी जो है वीडियोस मैंने डाल रखी है, वीडियो वाले सेक्शन में आप जाओगे तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। तो उनको जाकर एक बार, करंट अफेयर्स के लिए मैंने एक 4 घंटे 30 मिनट की वीडियो डाल रखी है, 4 घंटे 30 मिनट काफ़ी समय है, पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसे जाकर आप एक बार जरूर देख लें ताकि आपका काम बन जाए। चलिए फिलहाल ऑफिशियल लेटर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ से देख लो, सचिव के द्वारा जो है, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है 31/5 को ये लेटर जारी किया गया है। अब बोलोगे ये तो आज 2 तारीख हो गया, एक्चुअली ये लेटर अब वायरल हुआ है। जाकर यहाँ से देख लीजिए, सभी डीएम को जो है जारी किया गया है, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, नालंदा, गया, नवादा, जहानाबाद, इसी तरह से सारण, सिवान, ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, विषय शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा री एग्जामिनेशन जो है टीआरई 3.0 का होगा, क्लास 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए जो है। आप देखो, एक्चुअली क्या है ना कि ये विभागीय जो है लेटर है, विभागीय पत्र है, जिसमें बोला गया है कि आप लोग तैयार रहें, एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। सबसे पहले देख लो, 27/6 को जो है एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा 1 to 5 का, 28 को जो है 6 to 8 का, और 29 को जो है 9, 10 का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, और 30 को जो है 11, 12 का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो बिल्कुल 27, 28, 29, 30 को जो है आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। देखिए, दो दो वर्ग, एक्चुअली 2 स्क्वायर में जो है मीटर में जो है बच्चों की बैठने की व्यवस्था हो, यानी कि आगे पीछे जो है लड़का को, एक्चुअली ये चोरी ना कर लें, ऑब्वियस सी बात है। तो इसके लिए जो है बोला गया कि आप बैठने की व्यवस्था करें, 6-6 तक जो है आपको अपना जो रिपोर्ट भेज देना है। तो कुल मिलाकर बात यही है इस वीडियो की कि एग्जाम आपका 27 से शुरू होकर के 30 तक खत्म हो जाएगा। तो आपकी जो भी सब्जेक्ट है उस, या फिर जिस क्लास की एग्जाम आप देने वाले हैं उसके लिए आप तैयार रहें। बाय द वे, वीडियो यहां तक देख ली है, अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है। और बाय द वे, वीडियो यहां तक देख ली तो एक बार जय हिंद नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।